दरभंगा नगर निगम का जब भी इतिहास खंगाला जाएगा उसमें बुधवार 10 फरवरी का दिन अवश्य याद किया जाएगा। जी हाँ, आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों और नगर आयुक्त के बीच तीखा वाद प्रतिवाद हुआ। क्या मर्यादा और क्या भाषा, सब कुछ ताक पर दिखा। एक और जहां समिति के सदस्यों का आरोप है कि नए आयुक्त साहब के आने से निगम में अराजकता का माहौल है, तो वहीं नगर आयुक्त महोदय का कहना है कि उनके साथ सही भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। दरअसल आज सदन में डब्बू खान सहित सभी सदस्यों ने कर्मचारियों के फेरबदल पर अपना विरोध प्रकट किया। उनका कहना है कि आयुक्त साहब ने सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, एकदम सोच समझ के। सोच समझ के हमारा निर्णय है, आपको इम्प्लीमेंट। आपने भी कहा था, आपको इम्प्लीमेंट आपने भी कहा था, आपने निर्णय दिया था संविधान के, आपने आपने निर्णय दिया था। सुन लेते हैं, आपके निर्णय के खिलाफ अगर कोई बात है तो आपकी समझ में तो आना चाहिए ना। वो तीन मीटिंग के बाद मैडम बुलाए, हमारा काम क्या है, क्या करता है, सर्वोपरि है, स्थायी समिति सर्वोपरि है। हम निर्णय लेंगे, हमको आपका भी हटाने का पावर है। आपको नियम कहता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव आप लाइएगा स्थायी समिति। कहा लाया आपने, बाद में निकाल दिया। अभी स्थानांतरण कहा हुआ है, तो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। स्थानांतरण थोड़ी है, आपके स्ट्रक्चर खड़े नहीं, पहले जीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज स्थायी समिति की बैठक थी, इसमें बहुत ही शोर शराबा आप लोगों को देखा कि बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे। क्या मामला था, क्यों नाराज थे आप लोग? देखिए, जब से ये नगर आयुक्त आए हैं तब से अराजकता का माहौल बना हुआ है नगर निगम में, और स्टैंडिंग कमेटी के एक पावर होता है, सर्वोपरि होती है स्टैंडिंग कमेटी, उसको ताक पे रख के ये खुद मनमाना कर रहे हैं, तरह तरह का आदेश दे रहे हैं। अब बताइए कि बहुत सारे कर्मियों का तबादला इन्होंने कर दिया, इस विभाग से उस विभाग, बिना स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव लाए हुए, जबकि इनको पता है कि किसी भी तरह का अगर स्थानांतरण और लाभ अगर किसी को दिया जाता है, किसी भी कर्मचारी को, तो पहले आपको प्रस्ताव लाना है नगर आयुक्त को, और फिर स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करेगी, तब जाके उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये बिल्कुल हिटलर वाली बात कर रहे हैं, और जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। आज आप इतने दिनों से पार्षद हैं, कभी नगर आयुक्त ने, किसी नगर आयुक्त ने इस प्रकार की बातें हुई है कभी आप लोग के? नहीं नहीं, हम तो 20 साल से पार्षद हैं, हमको नहीं लगता है कि इतना असभ्य व्यक्ति जो है नगर आयुक्त मिला होगा इस नगर निगम को, जो माननीय सदस्यों का भी जो है वो नहीं करता है, रिगार्ड नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह का हम लोगों को नगर आयुक्त देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से आज इतनी नोक झोंक हुई है। उन्होंने मुझे उंगली उठाकर भी बात कहा, तो मैंने कहा आप गरिमा पद पे हैं, आप उंगली उठाकर बात नहीं करें माननीय सदस्यों से। उसके बाद जो है वो शांत हुए। तो इस एक तरह से धमकी देने वाली लहजे में वो
बात कर रहे थे माननीय सदस्यों से और कह रहे थे कि हम नियम कानून ज़्यादा जानते हैं, आपको नियम कानून नहीं पता है, जबकि हम लोग एक्ट के हवाले से जो है सारी चीज़ कह रहे थे कि ये प्रावधान है। हमने उपनगर आयुक्त का भी जो है मार्च तक हम लोगों ने उनको ये किया था उनका वेतन देने के लिए, आने वाले बजट में हम लोग उनका वेतन नहीं देंगे और हम लोगों ने लिखा है कि सरकार अविलंब उनको वापस करे। उपनगर आयुक्त भी हम लोग वो भी उपनगर आयुक्त और नगर आयुक्त दोनों मिलकर पूरे निगम को जो है त्रस्त त्रस्त किए हुए हैं, सारे कर्मचारी हाँ वो भी जो है उनसे जो है नाखुश हैं, उनका भी शोषण कर रहे हैं। ये ठीक है बैठक थी सर, पूरा क्या बैठक थी? बैठक थी कुछ मुद्दों पर विभेद था, हम लोग का मानना है जो कॉर्पोरेशन एक्ट में जो हम लोग शक्ति मिली हुई है उसका हम लोगों को इग्नोर करके उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसी के लिए आज इस बैठक में। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है जो नगर निगम के सारे कर्मचारियों का जो स्थानांतरण होता है उसकी शक्ति स्थायी समिति में नहीं, नगर आयुक्त दोनों मिल करके अपना जो है जिसको जहां मन हुआ जो काम करने लायक है उसको संजीव में, जो बिना काम करने लायक है उसको मुख्य पद पर, इस तरह का प्रतियोजन किया जो कि नगर निगम के कार्यहित में नहीं है, उसी का हम लोग विरोध किए हैं, रोक दिए हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? ऐसी परिस्थिति बनी मनमर्जी काम करने के कारण। कौन मनमर्जी कर रहे हैं? जो चेयरमैन लोग हैं नगर आयुक्त वो लोग कर रहे हैं। तो फिर आगे इसके लिए आप क्या करेंगे? आगे जो हमको अधिकार प्राप्त है संविधान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में उसके तहत हम लोगों ने इस पर रोक लगाई है। अच्छा ये बताइए कि जो किसी प्रकार की आपत्तिजनक बात या अभद्रतापूर्ण भी बात हुई है आप लोगों के साथ? हम लोगों के साथ उंगली उठाया गया नगर आयुक्त, उंगली उठाया तो उसका जवाब, जो जिस पर उंगली उठाया उसने जवाब दिया, दोनों अपनी गलती मान। तो क्या ये जनहित में या सरहित में ये सही है कि चिन्हित कमेटी की बैठक में? हर हित में जनता ने हम लोगों को चुना है, जनता का काम सुचारू रूप से हो ये देखना हमारा कर्तव्य है और नगर निगम सही से काम करे यह देखना हमारा कर्तव्य है। वही वो जो नई परिपाटी चलाना चाह रहे हैं वो संभव नहीं है। विधान साहब ने जो बोला कि हम लोग जनता से चुने हुए व्यक्ति हैं और हम लोग का जो अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है, हम लोग के निकाय के द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है स्थायी समिति का, उसको अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। और उनका जो आज का जो तरीका था ये हमको लगता है कि आज 4 साल के बोर्ड में पहली बार देखने को मिला है कि ऐसे नगर आयुक्त महोदय जो इस तरह के अभद्रतापूर्वक व्यवहार किए हैं जिसका हम लोगों ने सख्त विरोध किया है। इससे पहले जो भी नगर आयुक्त आए हैं हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, कभी गलत न चाहे या ना हम सब पसंद करेंगे। आज जो 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 परिपाटी बनाना चाह रहे हैं वो एक चीज और है कि 2-3 उदाहरण उनको हम दिए हैं बोर्ड के माध्यम से, स्थायी समिति के माध्यम से। वो चाह रहे हैं कि पार्षद का जो अधिकार है उसका जो सम्मान है महापौर का उपमहापौर का उसको वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं, जिसको उन्होंने आज अपनी बात को स्वीकार किया है कि ऐसी गलती नहीं होगी। सर जी क्या कहेंगे, आज स्थायी समिति की बैठक थी इसमें काफी शोर शराबा हुआ हंगामा हुआ, आप लोग बैकआउट कर रहे थे, क्या आज हम लोगों ने स्थायी समिति से म्युनिसिपल एक्ट के जानकारी हम लोग को बोल रहे थे नगर आयुक्त महोदय आपको जानकारी दें, हम लोगों ने कहा नगर एक्ट के तहत कि जानकारी आपको नहीं है और उस जानकारी के तहत इन्होंने तबादला किया है और हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया है और इस तबादले का हम लोग जो है पुरकोश विरोध करते हैं। और आज जितने भी 148 वार्ड में आज काम पूरे संवेदक से लेकर कर्मचारी तक पूरे भेकम लग गया है, कहीं भी विकास का काम नहीं हो रहा है, हम लोगों ने ऐसे नगर आयुक्त का पुरजोर विरोध करते हैं और इस सरकार के से हम लोग निवेदन करेंगे ऐसे नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त को यहां से हटाया जाए जिससे विकास काम में बाधा उत्पन्न हो रहा है।